दोस्तों, अगर आपको मार्वल की मूवीज पसंद हैं या फिर आप आयरन मैन, स्पाइडरमैन, थॉर जैसे कैरेक्टर्स के दीवाने हैं तो ये वीडियो आपको एकदम लास्ट तक देखनी चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ ऐसे गैजेट जो कि इन्हीं तरीके के सुपर हीरो से इंस्पायर्ड होंगे। तो शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा, और साथ ही हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप किस तरीके के गैजेट्स और देखना चाहते हैं। नंबर 9, स्पाइडरमैन गियर एंड ब्लास्टर। दोस्तों, स्पाइडरमैन मार्वल सीरीज का एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि बच्चों से लेकर बड़ों सभी को पसंद है, क्योंकि इसे हम एक लंबे अरसे से देखते आ रहे हैं और इनके कारनामे तो हम लोगों को काफी इंटरटेनिंग लगते ही हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चीज में थोड़ा सा और मजा ऐड करना चाहते हैं तो अपने बच्चों को दे सकते हैं इस तरीके के गियर्स को, क्योंकि आपको स्पाइडरमैन की और भी ज्यादा याद दिलाएंगे। दोस्तों, ये एक ऐसा छोटा सा गियर होता है, हालांकि स्पाइडरमैन तो वेब निकालता था अपने हाथों से, लेकिन दोस्तों यहां पर वेब की बजाय डॉट्स निकलती हैं जो कि काफी हद तक सेफ होती हैं और अच्छा खासा इंटरटेनमेंट भी आपको करा देंगी। इसके साथ आपको मैगजीन कॉटेज मिलती है जिसमें कि काफी सारे डॉट्स लगे रहेंगे और बच्चों को खेलने के लिए ये चीज बहुत ही इंटरटेनिंग होती है। ये गैजेट स्पाइडरमैन लवर को काफी इंटरेस्टिंग लगने वाला है, तो कमेंट करके बताएगा कि आपको स्पाइडरमैन मूवी का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। नंबर 8, आयरन मैन ऑक्रिएटर। दोस्तों, आयरन मैन मूवी के फर्स्ट पार्ट में आपने देखा होगा कि टोनी स्टार्क के जो हार्ट में आर्ट क्रिएटर लगा होता है उसे जो है एक फ्रेम कराकर उसे गिफ्ट किया जाता है उसके बर्थडे पर। तो ये चीज उस मूवी में काफी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रही थी, जिसे कि लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी कोई सजाने वाली चीज अपने घर पर रखना चाहते हैं जो कि देखने में एक अट्रैक्टिव सी लगे, तो ये चीज आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगी। ये ठीक वैसा ही एक शोपीस रहता है जिसमें बीचों बीच एलईडी लाइट्स लगी होती है और ये चीज देखने में काफी अच्छी लगती है। कहीं ना कहीं ये आयरन मैन लवर्स के लिए काफी इंटरेस्टिंग रहेगी, जिन्हें कि वो अपनी टेबल पर सजा कर रख सकते हैं। दोस्तों, आयरन मैन मूवी तो मेरे को काफी पर्सनली पसंद है, तो आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये गैजेट कैसा लगा है। नंबर 7, आयरन मैन MK50 रोबोट। दोस्तों, आयरन मैन का मार्क 50 जो प्रोटोटाइप रहता है उसे आपने मूवी में देखा होगा। जो उसका सूट रहता है वो हमेशा से लोगों को काफी इंटरेस्टिंग लगा है, तो अगर आप एक ऐसा ही गैजेट अपने घर पर देखना चाहते हैं तो इस छोटे से रोबोट। दोस्तों, अगर आपको मार्वल की मूवीज पसंद है या फिर आप आयरन मैन, स्पाइडरमैन, थॉर जैसे कैरेक्टर्स के दीवाने हैं तो ये वीडियो आपको एकदम लास्ट तक देखनी चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ ऐसे गैजेट जो कि इन्हीं तरीके के सुपर हीरो से इंस्पायर्ड होंगे। तो शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा, और साथ ही हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप किस तरीके के गैजेट्स और देखना चाहते हैं। नंबर 9, स्पाइडरमैन गियर एंड ब्लास्टर। दोस्तों, स्पाइडरमैन मार्वल सीरीज का एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि बच्चों से लेकर बड़ों सभी को पसंद है, क्योंकि इसे हम एक लंबे अरसे से देखते आ रहे हैं और इनके कारनामे तो हम लोगों को काफी इंटरटेनिंग लगते ही हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चीज में थोड़ा सा और मजा ऐड करना चाहते हैं तो अपने बच्चों को दे सकते हैं इस तरीके के गियर्स को, क्योंकि आपको स्पाइडरमैन की और भी ज्यादा याद दिलाएंगे। दोस्तों, ये एक ऐसा छोटा सा गियर होता है, हालांकि स्पाइडरमैन तो वेब निकालता था अपने हाथों से, लेकिन दोस्तों यहाँ पर वेब की बजाय डॉट्स निकलती है जो कि काफी हद तक सेफ होती है और अच्छा खासा इंटरटेनमेंट भी आपको करा देंगी। इसके साथ आपको मैगजीन कॉटेज मिलती है जिसमें कि काफी सारे डॉट्स लगे रहेंगे और बच्चों को खेलने के लिए ये चीज बहुत ही इंटरटेनिंग होती है। तो ये गैजेट स्पाइडरमैन लवर को काफी इंटरेस्टिंग लगने वाला है, तो कमेंट करके बताएगा कि आपको स्पाइडरमैन मूवी का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। नंबर 8, आयरन मैन ऑक्रिएटर। दोस्तों, आयरन मैन मूवी के फर्स्ट पार्ट में आपने देखा होगा कि टोनी स्टार्क के जो हार्ट में आर्ट क्रिएटर लगा होता है उसे जो है एक फ्रेम कराकर उसे गिफ्ट किया जाता है उसके बर्थडे पर। तो ये चीज उस मूवी में काफी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रही थी, जिसे कि लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी कोई सजाने वाली चीज अपने घर पर रखना चाहते हैं जो कि देखने में एक अट्रैक्टिव सी लगे, तो ये चीज आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगी। ये ठीक वैसा ही एक शोपीस रहता है जिसमें बीचों बीच एलईडी लाइट्स लगी होती है और ये चीज देखने में काफी अच्छी लगती है। कहीं ना कहीं ये आयरन मैन लवर्स के लिए काफी इंटरेस्टिंग रहेगी, जिन्हें कि वो अपनी टेबल पर सजा कर रख सकते हैं। तो दोस्तों, आयरन मैन मूवी तो मेरे को काफी पर्सनली पसंद है, तो आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये गैजेट कैसा लगा है। नंबर 7, आयरन मैन MK50 रोबोट। दोस्तों, आयरन मैन का मार्क 50 जो प्रोटोटाइप रहता है उसे आपने मूवी में देखा होगा। जो उसका सूट रहता है वो हमेशा से लोगों को काफी इंटरेस्टिंग लगा है, तो अगर आप एक ऐसा ही गैजेट अपने घर पर देखना चाहते हैं तो इस छोटे से रोबोट को ले सकते हैं। दोस्तों, ये एक छोटा सी कॉपी होता है उस मार्क 50 रोबोट की, जो कि ठीक वैसा ही एक्शन करेगा जैसा कि टोनी स्टार्क मूवी में करता रहा है, यानी कि हाथों का मूवमेंट कराना, उसके पीछे के विंग्स को खोलना, ये सब कुछ इस रोबोट में फीचर देखने को मिल जाएंगे। साथ ही इसका जो हेलमेट होता है उसमें अंदर की तरफ एक छोटी सी डिस्प्ले लगी होती है, और जैसे ही हेलमेट ओपन होगा तो आपको अंदर से टोनी स्टार्क का। इस छोटे से गैजेट के लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। नंबर 5, ग्रेविटी जेड सूट। दोस्तों, आपने मूवी में तो आयरन मैन को उड़ते हुए देखा होगा, लेकिन इंडिविजुअली ऐसे उड़ना कोई आसान काम नहीं है।
जहाँ पर आपको एक ऐसा जेट पैक दे रखा होता है जो कि उड़ने में काफी ज्यादा मददगार साबित होगा। हालांकि छोटी रेंज में और नॉर्मल ऐसे किसी इमरजेंसी सिचुएशन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन किसी प्रोफेशनल उड़ान के लिए अभी ये इतना बेहतर नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी काफी बेहतर रहता है जैसे कि नॉर्मल आदमी उड़ सकता है बिना किसी सपोर्ट के। तो इस गैजेट के लिए दोस्तों मैं यही कहूंगा कि हो सकता है अभी आपको ये देखने को कहीं ना मिले, लेकिन फ्यूचर में इस तरीके की टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस हो जाएगी जब लोग नॉर्मली पंछियों की तरह हवा में उड़ सकेंगे। नंबर 4, टेलो आयरन मैन एडिशन ड्रोन। दोस्तों टेलो ड्रोन के बारे में आपने हो सकता है पहले कभी सुना हो, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा बजट रेंज ड्रोन होता है जो कि शॉर्ट डिस्टेंस में आसानी से छोटी मोटी वीडियोस आपके लिए बना। मैन लवर हैं और आप एक छोटा सा ड्रोन खरीदना चाहते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, तो ये आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन रहेगा। नंबर 3, थॉर इलेक्ट्रॉनिक हैमर। दोस्तों मार्वल सीरीज के अंदर थॉर का जो हैमर है वो भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। सभी लोग चाहते हैं कि उनके घर में एक ऐसा डेकोरेटिव गैजेट हो जो कि कुछ कुछ थॉर के हैमर जैसा लगता हो। तो अगर आपका बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट उन लोगों को जो कि इस तरीके का शोपीस अपने घर पर रखना चाहते हैं। नंबर 2, डुअल लेजर आयरन मैन ग्लव्स। दोस्तों आयरन मैन मूवी में जो उसके हाथों में ग्लव्स होते हैं उनमें लेजर लाइट्स लगी रहती हैं जिससे कि वो फायर करता है, तो ये चीज काफी इंटरेस्टिंग लगती थी देखने में, लेकिन अगर आप ऐसा ही कुछ चाहते हैं अपनी रियल लाइफ में तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के आयरन मैन वाले ग्लव्स को। ये एक तरीके के डुअल लेजर ग्लव्स होते हैं जिनमें ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों ही तरफ लेजर लगी होती है। ऊपर जो लेजर रहती है उसका इस्तेमाल आप पॉइंटिंग के लिए कर सकते हैं, साथ ही दोस्तों अगर आप गुब्बारे वगैरह पर लगाते हैं तो फौरन गुब्बारा फट जाता है, यानी कि लेजर में काफी हीट भी रहती है। वहीं दोस्तों जो हथेली वाला लेजर होता है उसका इस्तेमाल आप इंग्रेविंग के लिए कर सकते हैं, ये चीज भी काफी इंटरेस्टिंग रहेगी जिससे कि आप इंग्रेव करके चीजों को इस्तेमाल कर पाएंगे। तो दोस्तों आयरन मैन लवर्स के लिए इस तरीके का गैजेट बेहद बेहतरीन रहेगा जो कि एक शोपीस वाली चीज ना होकर एक इस्तेमाल करने वाली चीज है। नंबर 1, स्पाइडरमैन इंटरैक्टिव रोबोट। दोस्तों ये गैजेट बच्चों को और स्पाइडरमैन लवर्स दोनों को ही काफी इंटरेस्टिंग लगने वाला है। ये एक तरीके का इंटरेक्टिव रोबोट होता है जिससे कि आप क्वेश्चन आंसर कर सकते वगैरह खेल सकते हैं, बहुत ही ज्यादा मजेदार रहता है। तो कमेंट करके